हेलो गाइज, वेलकम यू टू चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान 30 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ है, मतलब राजस्थान मिलकर 7 चरणों से मिलकर बना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये रियासत यहाँ पर मिली पहले चरण में मत से संघ में, उसके बाद दूसरा चरण आया, तीसरा चरण आया, चौथा चरण आया, तो यहाँ तक मतलब तीसरे चरण तक कोई सरकार नहीं थी यहाँ पर, ठीक है। राजस्थान में कोई सरकार नहीं थी और कोई इसकी सीमा निश्चित नहीं थी, ठीक है, और राजधानी भी निश्चित नहीं थी। क्योंकि देखिए, पहले चरण में अलवर को राजधानी बनाया गया, दूसरे चरण में कोटा को राजधानी बनाया गया और तीसरे चरण में उदयपुर को राजधानी बनाया, लेकिन चौथा चरण आया उसमें मतलब एक बात फिक्स करी गई कि यहाँ पर सरकार होनी चाहिए ताकि ये राज्य हो। तो राज्य बनाने के लिए सरकार का होना और जो मतलब सीमा है वो निर्धारित होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, ठीक है, और राजधानी निश्चित हो, अलग मतलब चेंज नहीं होती रहे बार बार में, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार बनाई गई, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए गए। पहले मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के? हीरालाल शास्त्री। तो यहाँ पर चौथे चरण के अंदर 30 मार्च को राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हीरालाल शास्त्री और सीमा निश्चित कर दी गई जो मतलब एरिया था, ठीक है। तो 7 चरण कंप्लीट होने के बाद हमारा राजस्थान का इस प्रकार से मैप बना, ठीक है। तो ये 1 नवंबर 1956 को बना था मैप, एकदम क्लियर जो अभी देख रहे हैं हम। राजस्थान में 50 जिले हो गए, फिर भी उसी प्रकार से मैप, राजस्थान में 50 जिले बने हैं वो तो अंदर से बने हैं, मतलब जयपुर से 4 जिले बन गए और जोधपुर से 3 जिले बन गए और अजमेर से 2 जिले बन गए। इस प्रकार से राजस्थान के अंदर ही तोड़े गए हैं, नए जिले उन्हीं से बने हैं, पुराने जिलों से ही, ठीक है। तो यहाँ पर राजस्थान 30 मार्च के दिन राजस्थान मतलब सरकार लागू कर दी, मतलब हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री बन गए, सरकार हो गई राज्य के अंदर, ठीक है, और इसकी सीमा निश्चित हो गई और राजधानी भी निश्चित, मतलब ये निश्चित कर दिया गया। और निश्चित करने के कारण ये कब किया था? 30 मार्च को किया गया था, तो इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है।